आखिर फरूख आबादी है। लेकिन लेकिन मैं आप सबसे पहले रुकूं, लेकिन उससे पहले सबको इंटरेस्ट होगा पटना में क्या हो रहा है। सीधे चलते विनायक के पास। विनायक, कोई खबर कैबिनेट मीटिंग के अंदर से? अब बिल्कुल दीपक, कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और यही वो एक अन्य मार्ग है जो ऐतिहासिक स्थल समझिए इस पूरे गठबंधन का, पूरे सरकार के इस करियर का, जहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है। जदयू के तमाम मंत्री यहां पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद ही मौजूद हैं और करीब 22-23 एजेंडा यहां रखा गया है। सबसे परेशान करने वाला वाकया ये है कि अभी तक भाजपा के कोई मंत्री नहीं पहुंचे, यानी कुल मिलाकर के जो उनकी गैर मौजूदगी है अब इस बात की तस्दीक करती है कि अब वो यहां नहीं आने वाले हैं। यानी एक अन्य मार्ग से उनकी दूरी हो चुकी है, नीतीश कुमार के आवास से उनकी दूरी हो चुकी है। इसकी शुरुआत कल सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव ने कर दी थी, जो अभी इसका गवाह बन रहा है। ये 17 बरस पुरानी दोस्ती यहीं पे खत्म हो रही है और सभी जदयू के मंत्री यहां बैठे हुए हैं और अब एक उम्मीद जगती है दीपक। जदयू के खेमे में 11-11 विधायक हैं जिनके किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। अब उन्हें पोर्टफोलियो मिलेगा और कई नौकरियां भी जाने वाली हैं, जिनमें की नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी हटाए जाएंगे, भाजपा प्रतिपक्ष में बैठेगी, विधान परिषद में गुलाम कौस हैं वो हटेंगे। ऐसे तमाम तब्दीलियां होने वाली हैं और तमाम ऐतिहासिक क्षण ये समझिए इस पूरे बिहार के पॉलिटिकल चेंजेस के लिए। दीपक, बिहार के पॉलिटिकल चेंजेस के लिए आपकी ओबी में कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन हम कैबिनेट मीटिंग के वो शॉर्ट दिखा रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, इसलिए एक सवाल जानना चाहता हूं, बीजेपी के मंत्री इस वक्त क्या कर रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं वो? देखिए, जैसा कि सीपी ठाकुर ने पहले बात जो कह रहे थे कि जो इस्तीफा पत्र है वो उनके हाथ में आ चुका और फिर वो सुशील मोदी को देंगे और सुशील मोदी यहां बाकायदा पहुंचाएंगे। अभी इस बात की वहां कोशिश हो रही है, लेकिन जो भी डेडलॉक है, अभी इस बात की शुरुआत हो रही थी कि पहले आप में दीपक अगर आप बात करिए तो पहले आप में जदयू यहां बाजी मार ले जा रही है। जदयू ने कैबिनेट की बैठक आयोजित की, फिर जदयू ने उस वेन्यू को शिफ्ट किया, फिर अभी तक जब भाजपा के मंत्री नहीं आए, क्योंकि पिछले 5 दिनों से वो कार्यालय से नादारा थे, अपने दफ्तर में नहीं आते, दफ्तर में उनकी मौजूदगी नहीं होती, उनकी फाइलें धूल फांक रही होती हैं। और भाजपा के एक मंत्री का मैं नाम लेना चाहूंगा, प्रेम कुमार हैं, गया से आते हैं, शहरी विकास मंत्री हैं। प्रेम कुमार जी कह रहे थे आज से 2 दिन पहले कि गया के नगर निगम के अधिकारी उनकी बात नहीं मानते, यानी सरकार से दूरी। मंगल पांडे का आरोप सरकार पे कि राजनाथ सिंह के लिए यहां रैली करने के लिए जमीन नहीं मिल रही। तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो शुरू हो चुकी, कल बातचीत तक नहीं हुई जदयू और भाजपा के बीच, तो फिर आखिर अब इससे बच क्या रहा है? बच यही रहा है कि जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें पहले दफा सिर्फ जदयू के ही मंत्री यहां शिरकत कर रहे हैं और तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद हैं। गैर हाजिर अगर कोई है तो वो भाजपा के मंत्री जिन्हें आना था। अब ये तमाम बातें यहीं खत्म हो जाती हैं। अब जो एक नई शुरुआत होनी है बिहार में, क्योंकि अब जो सरकार बननी है वो पहली दफा एक पार्टी की सरकार होगी, भले ही 4 इंडिपेंडेंट इसमें आने हैं जिन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है। तो कुल मिलाकर की जो औपचारिकताएं हैं वो राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बीच की दूरी महज 150 गज है, ठीक आमने सामने दोनों की दूरी है। अगर मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे तो उन्हें 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगता है राजभवन आने में, और जो भी रिकमेंडेशन करना है मंत्रियों के विड्रॉल के लिए या फिर उनके इस्तीफा सौंपा जाना है, कैबिनेट के एक्सपेंशन की बात करनी है, तमाम बातें बहुत ही कम समय में हो सकती है। जी दीपक।